हम प्रोस्टेक्टमी कर देंगे, सर्जिकल ट्रीटमेंट कब करेंगे, अगर बॉदरसम लोअर यूरिनरी ट्रैक सिम्टम्स हो, जब वॉचफुल वेटिंग और मेडिकल ट्रीटमेंट जो है वो बिल्कुल भी कोई फ़ायदा ना दे रहे हो तो हम सर्जरी कर देंगे। रिकरेंट एक्यूट रिटेंशन है, बार बार एक्यूट रिटेंशन हो रही हो, और क्रॉनिक रिटेंशन है जिसमें रेजिडुअल वॉल्यूम 200 ml से ज़्यादा हो, यूरिया क्रिएटिन वेस्ट हो, हाइड्रोयूरेटर और हाइड्रोनेफ्रोसिस हो, रीनल फेलियर हो ड्यू टू ब्लैडर आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस आ जाएँ BPH की तो हमें उसे सर्जिकल ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, स्टोन या फिर रिकरेंट इन्फेक्शंस, हेमरेज और हेमरेज की वजह से, या फिर पेशेंट खुद प्रोस्टेक्टमी करवाना चाहता हो, मेडिकल मेडिकेशंस नहीं लेना चाह रहा, पेशेंट की अपनी चॉइस है, ठीक हो गया। बॉदरसम ब्लड्स, एक्यूट रिकरेंट एक्यूट रिटेंशन, क्रॉनिक है, रीनल फेलियर है, कॉम्प्लिकेशंस है, हेमरेज और पेशेंट्स चॉइस। अब सर्जिकल प्रोसीजर्स क्या हैं, यूरेथ्रा के थ्रू ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट है, ब्लेडर के थ्रू ट्रांसवेजाइकल प्रोस्टेक्टमी है और रेट्रोप्यूबिक प्रोस्टेक्टमी है, प्यूबिक सिम्फिसिस वाली जगह से मॉडर्न इन्वेसिव मिनिमल इन्वेसिव एंडोस्कोपिक टेक्निक्स है, ठीक है, ये आपको नेम्स आने चाहिए। उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस जो हैं किस इसकी ट्रांसवेजाइकल प्रोस्टेक्टमी की क्या क्या हैं, कि इसमें जो है हेमरेज हो सकता है, ठीक है, इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन ड्यू टू स्फिंक्टर डैमेज हो सकता है कि जो ब्लैडर है उसके स्फिंक्टर जो है वो डैमेज हो जाए जिसकी वजह से यूरिन इनकॉन्टिनेंस हो सकता है, सेप्सिस हो सकता है, रेट्रोग्रेड इजेक्युलेशन हो सकता है, ब्लैडर के नेक का स्ट्रक्चर बन सकता है, या फिर रिकरेंस जो है हो सकती है, ठीक है, 3, 4, 5, 6 हेमरेज है, इनकॉन्टिनेंस हो सकती है, यूरिन की सेप्सिस, रेट्रोग्रेड इजेक्युलेशन, स्ट्रक्चर और रिकरेंस। ये जो न्यू टेक्निक्स है इनके आपने सिर्फ नाम देख लेना है, हॉलअप है, वॉल्यूम लेजर इन्यूक्लिएशन ऑफ प्रोस्टेट है, ट्यूना है, ट्रांसयूरेथ्रल नीडल एब्लेशन ऑफ प्रोस्टेट है, और बस।